स्टेट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने कटनी मिशन चौक रोड पर कॉलेज के बाहर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक रोड पर छात्राओं के हंगामे से जाम की स्थिति बन गई। उनका आरोप है कि उनके परीक्षा परिणाम से वे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग की सप्लीमेंट्री है, क्यों आई है कि कॉलेज वालों ने क्या भेजा समझ नहीं आ रहा है। ना आरडी लिमिट है, हमें रीटोटलिंग नहीं करनी, मतलब दूसरी क्लास में लोगों प्लस माइनस नहीं आ रहा है क्या? इससे पता हम लोग यार बच्चे कर लेते हैं। कॉलेज से बोला क्या, उन्हें क्या, उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया देना है। क्या बोला, हम आपको भेजेंगे सर, आरडी लिमिट एक यूनिवर्सिटी है। वो क्या बोलेंगे, हमारे पास दिन के अंदर आपने नहीं भेजा, हम आपको पैसे लेंगे। उनको करना ही नहीं है, पैसे लेने हैं। हमारा काम का नानपुर से पैसा था, मतलब तभी तो हमारा रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं। आज हमारा सेकंड ईयर में बिगड़ा है, कल का वो थर्ड ईयर में करेंगे तो हमारा पीजी रुक जाएगा। प्रिंसिपल साहब यही बोल रहे कि हम भेजेंगे, हम करेंगे। उन्होंने 6 महीने पहले एमए वालों के लिए भी यही बोला था, उनका 6 महीने से अटका हुआ है। वो किस बिना भी कह सकते कि वो हमारा करवा देंगे। आज उन्होंने यहाँ पे धरना दिया कि कम से कम वो सुने, क्योंकि ये ना इंडिया है सर, यहाँ पे ना बिना यहाँ आवाज उठाए बिना धरना के कोई नहीं सुनता है। उसके उपरांत कोई वहां से तो होना होगा, यहाँ से आप कोई सारी चीजें मैनेज कर लो। उनका कहना है कि उनके द्वारा कड़ी मेहनत कर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आए। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर भी जल्द में कोताही बरतने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर नाराज छात्राओं ने भारी हंगामा मचाते हुए धरना प्रदर्शन कर परीक्षा परिणामों का पुनः निरीक्षण कर सुधार करने की मांग की है। कटनी से सुनील यादव की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।